नवरात्रि के पावन अवसर पर स्नेहिल नारी संस्थान द्वारा बेतिहाता स्थित मंगला देवी मंदिर में माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान की महिलाओं ने मां जगदम्बे की महिमा का गुणगान कर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में संस्थान की अध्यक्ष विमला श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिलाओं ने देवी गीत प्रस्तुत कर माँ की आराधना की। इस दौरान विमला श्रीवास्तव, रेखा गौड़, पुष्पा वर्मा, रंजना सिन्हा, सीमा पांडे सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान की अध्यक्ष पुष्पा वर्मा ने कहा, संस्थान हमारी संस्था हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और बासंतिक नवरात्रि दोनों में माता की चौकी का कार्यक्रम कराती है। वैसे तो मेरी संस्था समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर गठित हुई है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक विरासत को अपने देश के संजोने और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उस परंपरा को भी कायम रखने के लिए हम लोग सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए ये नवरात्र के सीजन में, दोनों नवरात्र में हमारी संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। इस समय तो शायद पूरे विश्व में एक तरह से उथल पुथल मचा है और बहुत अधिक आवश्यकता है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। जो देशों में आपस में तनाव है, अपने देश के आंतरिक जो तनाव हैं उन सबको दूर करने के लिए माँ से एक हम लोगों का अरदास है कि सबका कल्याण हो और विश्व शांति की स्थापना हो। इसी उद्देश्य को लेकर आज का कीर्तन हम लोगों का है। और मंगला माता चूंकि मंगल करने वाली हैं, विश्व का कल्याण करने वाली हैं, इसी हेतु इस मंदिर के अंदर आज का ये हमारा जागरण का कार्यक्रम रखा गया है।